चंडीगढ़ 20 जून सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ 16 यूनिट्स कर्मचारियों ने चंडीगढ़ नगर निगम के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीते दिन भी सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर चंडीगढ़ नगर निगम को चेतावनी दी थी कि यदि सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान कृष्ण कुमार चड्ढा के निलंबन को वापस नहीं लिया गया तो चंडीगढ़ में सफाई व्यवस्था चौपट कर दी जाएगी। और प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कृष्ण कुमार चड्ढा ने भी निगम की खामियां गिनवाते हुए राजेश कालिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी महम मांगों को लेकर निगम मेयर राजेश कालिया के पास जाते थे हमें बेइज्जत कर दफ्तर से बाहर कर दिया जाता था। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कृष्ण कुमार चड्ढा ने क्या कहा। आपका नाम सर? हाँ जी सर, तो ये रोज प्रदर्शन क्या किस मुद्दे को लेकर हो रहा है? जो प्रदर्शन कर रखे हैं ये काफ़ी तरह से हमारे ब्रह्मांड हमारे चार सौ आदमी अभी ऊपर डेथ हो चुकी है। सेंट्री जमा द्वारा जी 2009 से हमें नौकरी देते थे, उसके बाद 2009 के बाद ये नौकरी बंद करी है। जब से हम संघर्ष करते आ रहे हैं काफ़ी लंबी डिमांड है। जो ये कमिश्नर साहब के पास हम 11 तारीख को गए थे हमें लिख के दे रखा है सर हमारी ये डिमांड करो, ना तो हमारे पास तीन सब हुआ, ना कोई पंजा है, ना कोई स्पीकर है, ना कोई रेडी है। जो मेरे साथी किसी से काम करें एक नंबर पर सर लेते हो, 20 सेक्टर हमारा मोटर दर्ज है, उसमें सामान होता है, जाके देख सकते हैं मीडिया भाई वहाँ सामान है कि वहाँ एक भी नहीं होगी। तो इसलिए हम मेयर साहब के पास गए थे, कमिश्नर साहब के पास गए थे 11 तारीख को, फिर 13 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ अहमद सगर बोला राजेश मेयर ने मीटिंग चल रही थी बुला था फोन करके साहब एक नंबर पर लेना पर मिल करना है, जाके मैं दरवाज़ा खोला तो वहाँ दरवाज़ा खोला मेरे को बार 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 फिर थोड़ी देर में बोला गट आउट, मैं बाहर आके बैठ गया। फिर हम दोबारा गए वहाँ मीटिंग खत्म हो गई 4:30 बजे। भाई ओम प्रकाश सैनी जी, दुल्ला जी, अपने प्रभाग जी, जितने डोर के डोर वाले ये 5 आदमी, हम अशोक जी, राजू जी, ओमपाल जी, हमने पर्चा जी, ये सारे हम वहाँ गए। तो कहें मैंने अनमोच मन नहीं चलाना है, आप क्या हो मेरे भाई सो करके बोला, उल्टा सुल्टा बोला, बहुत अवध शब्द बोला, आप अपना नहीं समझाया। अनमोच था वहाँ एस के जैन था, अनमोच डॉक्टर था, अपना अनिल गर्ग था, SDO अमित कुमार था। जो ये हमारी डिमांड है आप डिमांड हो भी की थी, फिर ये मेरी कंप्लेंट करवा के फिर मैंने भी इसकी कंप्लेंट करवाई, इसलिए हमें मेरे को फिर कमिश्नर साहब से मिले, परसों कमिश्नर साहब से मिले, चड्ढा साहब कोई आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, सोगा ना को सस्पेंड किया जाएगा, बिल्कुल हमारे को विश्वास करा कॉर्पोरेशन का एक्ट है। मेरे को सो का नोटिस दिया जाना था, मैं जवाब देता हूँ क्या हमारा झगड़ा है, इन्हें चार चक्कर सस्पेंड करवा दिया। और जब नौकरी की बारी आती है कॉर्पोरेशन एक्ट से कॉर्पोरेशन बनी, ये हमारा मेरा हाथ में लेटर है जो मैं सस्पेंड किया है, ये लेटर है, ये कॉर्पोरेशन एक्ट से मैं सस्पेंड किया हूँ। जब नौकरी मांगते हैं तो कहते पंजाब को रूल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब ने अब ये रूल कहाँ से आ रहा है? जब नौकरी की बारी आती है डेथ केस पंजाब में किसी की डेथ होता है ये सफाई कर्मचारी की तुरंत नौकरी देते हैं। मैं अब ये संघर्ष कर रहा हूँ, जो 400 से भी आदमी ऊपर मर चुके हैं ये नौकरी लेकर आएंगे पंजाब अक्षर कॉर्पोरेशन से, जब मैं सस्पेंड किया हूँ तो वह क्यों नहीं नौकरी देते हैं? तो इसलिए ये संघर्ष किया है, ये और भी तेज होगा संघर्ष। आज तो ये टेलर है छोटा, तो ये पूरी कॉलोनिया में हर कॉलोनी में जाके मीटिंग होंगी, मेरे साथ पूरे सफाई कर्मचारी सारी यूनियन 60 यूनियन मेरे साथ में आगे आने लग रहे हैं, सारे बोलन लग रहे हैं, हम प्रेस नोट बनाया जाएगा, आपको प्रेस नोट भी दिया जाएगा। मेरी जो डिमांड है इतने नहीं पूरी करेंगे, इतने चलता रहा लीडर है, सस्पेंड तो होते रहते लीडर, आवाज़ तो उठानी है मैंने, मैं अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहता, मैं पूरी समाज के सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाने जा रहा था, भाई तो पक्के करो आपको। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।